हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है टेंस, और टेंस का पार्ट 9th अर्थात टेंस का 9वां भाग हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है। और इसको शुरू करने से पहले, जैसा हम यूजुअली पढ़ते आ रहे हैं एच डब्ल्यू ऑफ लास्ट क्लास की, पहले हम नया टॉपिक शुरू करने से पहले पिछली क्लास का जो एच डब्ल्यू हमें दिया जाता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। जैसा आपको प्रीवियस क्लास में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एडवर्ब्स लिखवाई थी, और उन एडवर्ब्स के आधार पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना है और फिर करेक्ट फॉर्म भरते समय हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए, सेंटेंस दे रखा है हमारे पास, रवि ऑलरेडी हिज वर्क, ये मैंने आप भर रखा है करेक्ट फॉर्म में, इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले हमें एडवर्ब मिली क्या, ऑलरेडी, क्या मिला है, ऑलरेडी। और ऑलरेडी कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और यहाँ हमारे पास दो ब्लैंक दिए हुए हैं, एक ऑलरेडी से पहले एक ऑलरेडी के बाद। तो आपको एचएम का नियम बताया था, पहले है ब्लैंक में आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है, दूसरे में मेन वर्ब भरनी है। तो रवि के अकॉर्डिंग हैज में से क्या आएगा, हैज, और फिनिश की जो थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, तो पहले ब्लैंक में हैज, दूसरे में फिनिश्ड भर देंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, हाउ मेनी बर्ड्स यू सो फार। अब यहाँ हमारे पास एडवर्ब के रूप में क्या दे रखा है, सो फार, और सो फार आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। यहाँ पे यू दे रखा है, यू से पहले एक ब्लैंक है, यू के बाद एक ब्लैंक है। तो पहले ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब, दूसरे में मेन वर्ब, तो हैज हैव में से यू के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, हैव, और सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। तो पहले ही ब्लैंक में हमने भरा हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और दूसरे ब्लैंक में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी सीन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है, माय अंकल जस्ट फ्रॉम ऑफिस। अब यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, जस्ट, और जस्ट भी कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन से टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अब यहाँ हमारे पास माय अंकल है, तो माय अंकल सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज, और अराइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड, क्या हो जाएगी, अराइव्ड, हैज अराइव्ड, ओके। तो इस तरह से आपने आज के तीनों सेंटेंस पढ़े। अब हम इस टेंस का अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक विशेष नोट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो नोट इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, यदि सेंटेंस के एक क्लॉज में, सेंटेंस के एक क्लॉज में सिंस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, क्या दिया हो, सेंटेंस में सिंस दे रखा और फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, तो सिंस से पहले वाले क्लोज में आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, अर्थात हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब मैंने पैटर्न भी समझा रखा है आपको, देखिए यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, सिंस, क्या दे रखा है जी, सिंस, और सिंस से, सिंस के बाद की बात करते हैं पहले हम, सिंस के बाद क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए क्लियर एरो का मार्क लगा के समझ रखा है, सिंस के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती हो तो सिंस से पहले हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैंने एरो के मार्क से शो कर रखा है यहाँ पे। अब आप यहाँ देखिए सेंटेंस दे रखा है हमारे पास, आई हैव नॉट मीट हिम सिंस ही वेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, सिंस, क्या दे रखा है जी, सिंस दे रखा है ना, तो सिंस के बाद वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, कौन सी फॉर्म है जी, सेकंड, तो सिंस से पहले क्या आएगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के अकॉर्डिंग हैज में से क्या आएगा, हैव, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, ये भर रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे आप सिंस वाला कंसेप्ट, ओके। और अब हम आज का हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से लग के, से का मतलब टाइम साथ दिया हुआ होगा, से रही है, से रहे हैं, आदि आते हैं, अर्थात से लग के और रहा है, रही है, रहे आते, इट मीन्स आपके पास सेंटेंस में टाइम भी दिया हुआ मिलेगा, ओके। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में आप देखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या
हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन होगा, ठीक है। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया की अगर बात करें तो मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए नोट डाल के समझा रखा है, इस टेंस में के सेंटेंस में दिए गए समय या समय की अवधि से पहले, अर्थात इस टेंस के जो सेंटेंस हमारे पास होंगे उसमें क्या मिलेगा आपको, समय या समय की अवधि मिलेगी। इससे पहले हमें किसका यूज़ करना है, सिंस या फोर का यूज किया जाता है। किसका यूज़ करना है, सिंस या फोर का यूज़ किया जाता है। अब कब तो आपको सिंस का यूज करना है, कब आपको फोर का यूज करना है, देखिए रूल ऑफ सिंस फोर, सिंस फोर का नियम। सबसे पहले सिंस की अगर बात करें तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बिंदु के साथ, अर्थात आपके सेंटेंस में अगर निश्चित समय बिंदु दिया हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में आपको किसका यूज़ करना है, सिंस का। अब निश्चित समय बिंदु जैसे मान लीजिए मॉर्निंग फिक्स होता है, इवनिंग होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने वाले बिंदु हैं, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए हमें ऐसी कंडीशन में किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। इसके अलावा देखो लास्ट लग के कुछ भी टाइम आता हो, लास्ट के बाद कोई टाइम दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में भी हमें किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। संडे से लगा के सैटरडे तक अगर आता हो, ठीक है, संडे टू सैटरडे कोई भी दिन का नाम आए तो वहाँ भी हमें किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। टाइम ऑफ वॉच, घड़ी के समय की कहीं बात होती हो, किसकी बात होती हो, घड़ी के समय की कहीं बात होती हो, जैसे सुबह 9 बजे से शाम 10 बजे से, तो उस कंडीशन में भी आपको किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। टाइम ऑफ वॉच 9 AM 10 PM। सेशन, सत्र, यदि सेंटेंस में सेशन दिया हुआ हो, सत्र दिया हुआ हो तो भी किसका यूज़ करना है, सिंस का, जैसे 1990 2010 1990 2010 आदि। सत्र की कहीं बात होती हो तो भी किसका यूज़ करना है, हमें सिंस का यूज़ करना है। और बर्थ, सिंस बर्थ, जन्म से, जैसे अपन कहते हैं ना वह जन्म से ही इस गांव में रह रहा है, तो यहां भी हमें किसका यूज़ करना है, सिंस का, ठीक है। तो इस तरह से आपके सिंस का रूल क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे फोर की, किसकी बात करेंगे, फोर की। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि की कहीं चर्चा होती हो, किसकी, समय की अवधि की कहीं चर्चा होती हो तो वहाँ पे हमें फोर का यूज करना है, जैसे 2 hours 2 घंटे से, 5 days 5 दिन से, 3 weeks 3 सप्ताह से, 4 months 4 महीनों से, और 10 years 10 वर्षों से। जहाँ भी समय की अवधि की चर्चा होती हो वहाँ पे हमें किसका यूज करना है, फोर का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सिंस फोर वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का सिंटैक्स या फॉर्मूला। सबसे पहले आपको सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट को लेना है, इसके बाद हैज या हैव में से एक, हैज हैव का रूल वही जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था वही रहेगा। उसके बाद आपको बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, दोनों में से कोई भी एक, और फिर दिया हुआ टाइम, ठीक है। जैसे हमारे पास सेंटेंस दे रखा है, मोहित 1999 से इस कंपनी में कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, मोहित, तो हमने सब्जेक्ट लिया मोहित। अब मोहित के अकॉर्डिंग हैज है में से क्या आएगा, मोहित सिंगुलर है, नाम है तो हैज, अब बीन दोनों हैज या है दोनों के साथ ही आता है तो बीन। अब वर्क की फर्स्ट फॉर्म अर्थात तो वर्क कार्य करना, और वर्क में क्या लगा देंगे, आईएनजी, मोहित हैज बीन वर्किंग इस कंपनी में, तो इन दिस कंपनी, और कब से कर रहा है, 1999 से, जो सेशन को इंडिकेट करता है, और सेशन के साथ किसका यूज करेंगे, सिंस का, सिंस 1999, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक पूरा हुआ, कल हम इसके स्टडी करेंगे करेक्ट फॉर्म की और इसके बचे हुए सेंटेंस के पैटर्न की। ओके बाय।